जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर खलील पवार। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं किसान आंदोलन का लगभग 7 महीने से ज़्यादा होने के बावजूद भी किसान आज जो कि तू अपनी जो पहले दिन थे वही आज हैं, क्योंकि सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार के कानों पर जू नहीं चल रही कि 7 महीने से किसान अपना घर बार छोड़ो, यहाँ एक मांग लेकर डटा हुआ है। लेकिन सरकार ने साबित कर दिया कि सरकार अपने मनमानी करेगी, किसानों की कोई परवाह नहीं है, किसानों को सरकार को उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वोट का टाइम आएगा तो वो किसानों की बात करेगी। किसानों को एक कठपुतली समझकर सरकार यूज कर रही है, लेकिन सरकार भूल रही है कि ये धरती पुत्र है, अपना हक लेना जानता है। ऐसे ही परसों किसान यूनियन का जो किसान मोर्चा है बीजेपी का, उसने कोशिश करी कि इन किसानों को उकसाया जाए ताकि पुलिस प्रशासन अपनी हद पार कर इन धरने को यहाँ से समाप्त किया जाए। लेकिन किसानों ने अपनी शांति का प्रतीक मानते हुए, शांति का वो जो जो उनकी शांति बनाने का तरीका था, वो उन्होंने साबित कर दिया है कि हम शांति प्रिय लोग हैं, हम किसी के उकसाने में नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी लगभग 200 किसानों पर मुकदमा सरकार ने कराया है। आइए ऐसे कुछ बात करते हैं कि यहाँ किसान नेता हैं परसों के हादसे के बारे में। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। विनेश प्रधान छोड़, जिला महासचिव मेरठ। अच्छा, ये जो परसों हादसा हुआ था, जो किसान मोर्चा बीजेपी है, ये एक सोची समझी रणनीति थी या अब से पहले ये मंच पर आकर इन्होंने किसानों के हित में कोई बात की? नहीं, देखो कभी भी मंच पर तो आया ही नहीं भाजपा, उनका नेता नहीं आया, कोई उनका कोई भी आदमी कभी मंच पर तो आया ही नहीं था। लेकिन ये जो सोची समझी साजिश थी और इसी के तहत ये किसानों को यहाँ उकसाने आए थे और उकसा के इस जो है आंदोलन को ख़त्म करवाने की नीति थी। इनकी नीति पहले से ही कभी किसान को बदनाम करने की, कभी आंदोलन जीवी बताते हैं, कभी अग्नि को फंडिंग आ रही, तो कुछ ना कुछ बता के मतलब किसान का जो है आंदोलन जो चल रहा है इसको बदनाम करने पर लगी हुई है सरकार। लेकिन किसान अपना धैर्य न खोकर बहुत ही शांति प्रिय अपने धरने को जो है चला रहे हैं। आज जो है 7 महीने 6 दिन हो गए इस धरने को, अब तक का किसान ने किसी किस्म की भी कोई कहीं गड़बड़ नहीं करी। जो सरकार कर भी रही है तो सरकार के भी जो है उसे अपना बचकर अपना आंदोलन शांति प्रिय चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आंदोलन शांति प्रिय चल रहा है, लेकिन जो पुलिस ने उसमें अपने पैर में लिखा है, वो लिखा है कि आपने शीशे तोड़े हैं, आपने उन पर हमला किया है, आपने तलवारों से उन पर हमला किया है, क्या सच है इसमें? देखो वो तो भाई शासन प्रशासन केवल सरकार का है, सब सरकार कुछ भी करवा लो भाई। आपको हम बतावें, जो ऐसा नहीं होता तो वह यहाँ भेजते क्यों ना? ये भी तो सरकार का ही काम था भेजने का, यहाँ से का आंदोलन को बदनाम करवाओ, और वही उनकी साजिद कामयाब चल रही। पर लेकिन किसान हो नहीं थे, किसान अपना शांति भी रहेंगे। ये तो एक तरह से इनको बताया जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थिति आई तो किसान दूसरा रूप भी बदल सकता है, जैसा कि अंग्रेजों के साथ में किया गया था। अंग्रेज ऐसे नहीं गए, उनके बक्कल उधेड़े गए जब अंग्रेज यहाँ से देश छोड़ कर भागा, ऐसे नहीं भागा। आगे सरकार सोच रही है आपसे बात करने की, कुछ ऐसा आपको आश्वासन लग रहा है कि सरकार बात करेगी? सरकार को बात करने के लिए जो है 11 दौर की जो वार्ता हुई, सरकार ने बात तोड़ी थी, सरकार ही इस बात को जोड़ेगी तभी वार्ता होगी। आपने देखा कि किसानों को हौसला चुका था, जो पहले दिन ताकत और हौसला लेकर यहाँ बैठे हुए थे, 7 महीने के बाद भी वही हौसला वही ताकत आज भी झुकी तो है। यो किसी भी वर्ग का या किसान हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, युवा हो, जो भी यहाँ किसान बैठे हुए हैं, वो अपने हक और आने वाले अपनी नस्ल के फ्यूचर के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे ये किसान यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। कैमरामैन शाद अली के साथ मैं डॉक्टर खलील पवार, दिल्ली लाइव न्यूज़, गाजियाबाद। वहाँ से एक FIR करवा रहे किसानों ने जो है शीशे तोड़े, ऐसा कुछ नहीं, आपस में ही उन्होंने शीशे तोड़े, आपस में डंड बजा रहे। लगभग 7 महीने से ज़्यादा होने हो चुके, लेकिन अभी सरकार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेंगी? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ किसान आंदोलन में हर वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर बच्चे भी हैं, यहाँ पर बूढ़े भी हैं, यहाँ पर हमारे युवा जो युवा भाई हैं, युवा नेता हैं, वो भी इस आंदोलन में अपना कीमती समय देकर इस आंदोलन को मजबूत बनाए हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जी सौरभ सिरोही है, मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ मैकेनिकल ब्रांच से, 2 साल हो गए हैं, प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी डिफेंस सर्विस की। अच्छा, ये जो आप आंदोलन में यहाँ पर आए हुए हैं, ये अपने फ्यूचर के लिए आए हुए हैं या अपने बड़ों का सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं? दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, आज भी 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। उन्हीं की वजह से जो और तदबे हैं, जैसे कि कोई भी बिरादरी है या फिर रिलीजन है, बहुत सारे जुड़े हुए हैं खेती वाली बिरादरी से। खेती में कोई एक बिरादरी नहीं आती, इसमें भी 10 बिरादरी हैं, और उन्हीं के कारण एम्प्लॉयमेंट मिलता है और लोगों को।
ये जो गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय जो पहले से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है किसानी के जरिए वो भी छीन रही है लोगों का। अच्छा, युवाओं के रोजगार देने के बारे में सरकार ने बात करी थी कि लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या रोजगार मिला? रोजगार तो जो पहले से थे वही जा रहे हैं, सारी चीज़ प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल रही है। कितनी कंपनियां प्राइवेट हो चुकी है, रेलवे भी प्राइवेट करने की बात चल रही है, बैंक भी प्राइवेट की बात चल रही है होने की सारी, जो कि हमारे देश के हित है बहुत ज़्यादा इस इन चीज़ों में, क्योंकि इन्हें सरकारीकरण का इसलिए करा गया था ताकि ये बच सके कैपिटलिज्म से, कैपिटलिज्म की तरफ कंट्री को ले जाया जा रहा है जानबूझ के, ताकि कुछ लोगों के हाथ में कंट्रोल हो पूरी कंट्री का। आपने देखा कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे युवा जो इस किसान आंदोलन को चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, लेकिन उसके बावजूद किसान को अनपढ़ और जाहिल समझा जाता है कि वो किसान को जीवी परजीवी आंदोलनकारी आतंकवादी पता नहीं क्या क्या रूप दिए जाते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं किस आंदोलन के बारे में। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जगबीर सिंह है, गाँव दबथुआ, जिला मेरठ। अच्छा, आप लगभग शुरू से जिस दिन से ये आंदोलन हुआ तब से यहाँ पर डटे हुए हैं, 7 महीने में आपने क्या बदलाव देगा? सरकार झुकने को तैयार है? सरकार का टाइम खराब है, ये झुके आना झुके, लेकिन सरकार का टाइम खराब है और किसान अब इन्हें झुका के छोड़ देंगे, बिना झुकाए छोड़ देंगे नहीं अब जा। लेकिन योगी सरकार बार बार ऐसी कोशिश कर रही है कि किसानों का जो अपना जो अब तक जो उन्होंने धैर्य बना के रखा वो धैर्य टूट जाए, ये बार बार कोशिश कर रही है, आगे भी ऐसा हो सकता है, आगे रणनीति क्या आपकी? नहीं, हम तो अपना धैर्य बिल्कुल नहीं तोड़े, शांतिपूर्वक अपना आंदोलन जारी रखेंगे और आंदोलन से ही इनको और आगे वोट की चोट से इनको नीचे गिरावेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने कहा है कि इनके बक्कल उतार दिए जाएंगे, इनकी गोली लाठा दी, गोली जो गोला लाठी है वो दी जाएगी, उसकी तैयारी कर रखी है, तो ये धमकी है या चेतावनी?